जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भाजपा प्रदेश सैनिक प्रकोष्ठ सह संयोजक वीरांगना कविता सामोता ने शहीद की अंतिम यात्रा में शहीद को दिया कांधा। नीम का थाना क्षेत्र के पाटन राजपुरा गांव निवासी असम राइफल के जवान प्रकाश चंद मीणा को ऑन ड्यूटी पर लंबे समय से बीमार होने के कारण निधन हो गया था। राजपुरा निवासी शहीद का पार्थिव देह सीकर जिले के पाटन के समीप ग्राम राजपुरा में उनके गांव पहुंचा। शहीद प्रकाश चंद मीणा को असम राइफल के जवानों ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। इस दौरान हजारों की संख्या में आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण और गणमान्य लोग मौजूद रहे। शहीद प्रकाश चंद मीणा की अंतिम यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश सैनिक प्रकोष्ठ सह संयोजक वीरांगना कविता सामोता ने मानवता और शहीद सम्मान का परिचय देते हुए शहीद प्रकाश चंद मीणा के पार्थिव देह को कांधा भी दिया और शहीद के सम्मान में सामोता ने सिर झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वाकई सैनिक प्रकोष्ठ सह संयोजक वीरांगना कविता सामोता ने एक महिला होकर देशभक्ति एवं शहीदों के मान का परिचय देते हुए एक शहीद को कांधा देकर नम आंखों से शहीद को विदाई दी। शहीद की अंतिम यात्रा में राजपुरा सरपंच मुकेश मीणा, डूंगा के नांगल सरपंच मालाराम गुजर एवं उमराव यादव, अध्यापक मुरारी लाल मीणा सहित अनेक ग्रामीण जन गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शहीद प्रकाश चंद मीणा के परिवार में तीन भाई जय सिंह, किशन, बालचंद है और दो बेटी और एक लड़का है। शहीद की अंतिम यात्रा के दौरान प्रकाश चंद मीणा अमर रहे भारत माता की जय के जयकारों से आसपास का क्षेत्र गूंज उठा। शहीद प्रकाश चंद मीणा की अंत्येष्टि पर भाजपा प्रदेश सैनिक प्रकोष्ठ सह संयोजक वीरांगना कविता सामोता ने पुष्प चक्र अर्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस दौरान कविता सामोता ने कहा कि देश की रक्षा में तैनात सिपाहियों के बलिदान को देश और ग्राम कभी नहीं भुला पाएगा। साथ ही प्रकाश चंद मीणा के असम राइफल के साथी जवानों ने भी प्रकाश चंद मीणा के साथ जुड़ी यादों के विषय में कुछ बातें कही। सोशल मीडिया में भी प्रकाश चंद मीणा को विनम्र श्रद्धांजलि लोगों द्वारा अर्पण की जा रही है।